Good morning, fourth class students. I hope that you all are doing good. I am your science teacher. In my previous video, we have discussed about types of soil. Today, I am going to explain what is composite. Okay, let's start. Composite is same as like manure. In your last chapter, chapter 3, we have discussed about manure and fertilizer. So manure is same like that composite, okay, in which organic garbage such as solid liquid waste from cattle से मतलब गाय भैंस से जो भी liquid और solid waste वो लोग produce करते हैं and peels of fruits के छिलके vegetables के छिलके घास होती है जो सूखी घास hay कहते हैं उसे weeds unwanted plants जो होते हैं जो अपने आप कुछ plants ऐसे होते हैं weeds कहते हैं उन्हें जो उग जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते उन सब को अगर एक जगह में इकट्ठा करा जाए गैदर करा जाए कहीं पे लाइक दैट प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट यू कैन सी द पिक्चर हेयर इकट्ठा करके एक जगह में रखा जाए वहाँ पे दे बैक्टीरिया नेचर के थ्रू बैक्टीरिया एंड फंजाई उसे डिकम्पोज कर देते हैं एंड कंपोजिट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में कंपोजिट प्रोड्यूस हो जाता है I have taught you, I think. So, it is useful for us. ये हमारे लिए useful होता है, fertilizer का काम करता है. Soil की fertility बढ़ाने के लिए ये use किया जाता है, okay? So, next topic is chemical fertilizer. What is chemical fertilizer? Chemical fertilizer are artificially manufactured in factory. Composite are natural fertilizer, you know that? नेचुरली नेचर्स के थ्रू बना है एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में आर्टिफिशियली बनता है दे यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया TSP एंड MP ओके As chemical fertilizer, nitrogen, phosphorus and potassium are used for manufacture of chemical fertilizer. Nitrogen, phosphorus and potassium के through ही ये बनते हैं Chemical fertilizer जो होते हैं ये nitrogen, phosphorus and potassium से बनते हैं Now, we can see usefulness. Chemical fertilizer की usefulness पहले हम पढ़ेंगे After that, harmful effect. इनके harmful effect हम पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं इनके यूजफुल इफेक्ट नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हेल्प प्लांट ग्रो फास्ट नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए फास्ट मींस जल्दी नाउ सेकेंड इज फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फ्लावर फ्रूट रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम थ्री टाइप्स से फर्टिलाइजर मिलके बनते हैं तो नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ग्रोथ के लिए जिससे कि ग्रोथ फास्ट बढ़ेगी प्लांट की एंड फॉस्फोरस रिच होते हैं जो वो फ्लावर की ग्रोथ फ्रूट की ग्रोथ एंड रूट की ग्रोथ ऑफ प्लांट की इनके लिए सपोर्ट करते हैं ना पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर मेक प्लांट मोर इम्यूनी अगेन डिजीज पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्लांट्स को डिजीज से लड़ने की क्या देते हैं उनको सपोर्ट करते हैं डिजीज से लड़ने के लिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम ओके पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर नाउ दिस इज द यूजफुल इफेक्ट ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर यूज ऑफ यूरिया TSP एंड MP आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट दीज आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट बट Not for the soil. Soil के लिए beneficial नहीं होते ये plant के लिए तो beneficial होते हैं ये सब जितने भी ये chemical fertilizer हैं plant के लिए beneficial होते हैं plants की growth को बढ़ाते हैं plants को against disease से लड़ने के लिए help करते हैं but soil के लिए ज़्यादा useful नहीं होते अगर हम इन्हें excessive use of such fertilizer अगर हम इनका ज़्यादा use करेंगे इन fertilizer का ये crop का production डिक्रीज कर सकती है इसलिए हमें इनका यूज़ भी लिटिल अमाउंट में करना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए इट मस्ट बी मेड श्योर
फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बिकम कम्प्लीटली मिक्सड विद सॉइल. जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है वो सॉइल के संग मिक्सड हो जाता है कम्प्लीटली. इफ़ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज टू मच ऑन फ्रूट यार्डलिंग प्लांट्स, द प्लांट विल ग्रो बट विल नॉट बियर एनी फ्रूट. प्लांट तो ग्रो करेगा. अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को ज़्यादा सॉइल में यूज़ करेंगे जहाँ फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं जिनसे, उसमें तो प्लांट ग्रो करेंगे बट विल नॉट बियर एनी फ्रूट. वो फ्रूट बियर नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, क्योंकि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ कर लोगे, इसलिए ऐसा होगा. ठीक है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉस्फोरस रिजल्ट इन अर्ली फ्लावरिंग ऑफ फ्रूटिंग लीफी वेजिटेबल प्लांट्स बट प्रोडक्शन ऑफ लीव्स डिक्रीज. जब हम फॉस्फोरस का एक्सेसिव यूज़ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फ्लावर एंड फ्रूट वेजिटेबल्स तो सही मिलेंगी बट हमें लीव्स डिक्रीज हो जाएंगी उसकी. ओके. इसलिए इन्हें भी जो है लिटिल अमाउंट में या सही ठीक डायरेक्शन में यूज़ करना है, बिल्कुल लिटिल. नाउ द रूट्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स सफर बर्न, दे केम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अमोनिया सल्फेट फर्टिलाइजर. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज प्लांट डाई. अगर ज़्यादा यूज़ हम फर्टिलाइज़र को करेंगे इससे प्लांट भी डाई हो सकता है, सॉइल की भी फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल भी क्रॉप का प्रोडक्शन कम कर देती है. बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं प्लांट में, प्लांट डाई तक हो सकता है. ओके. इसलिए इनका यूज़ भी हमें एक अमाउंट तक ही करना है, एक लिटिल अमाउंट तक करना होता है, बिकॉज दिस इज केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल के थ्रू होते हैं. और कंपोजिट इज नॉट केमिकल फर्टिलाइज़र, ये हार्मफुल नहीं होता है. ठीक है. ओके. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ओके.